मनसा देवी मनसा पूरी करती पहली बार में। जी हाँ साथियों, जय माता दी। अब हर की पौड़ी से स्नान करने के बाद अब सेकंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और मैं इस समय अब चल रहा हूँ माँ मनसा देवी के दरबार में। ऐसा सुनने में आया है कि जो लाइन लगा हुआ है जहाँ पैदल यात्रा के लिए जाते हैं सीख, वहाँ पे बहुत ही भीड़ है। चलिए देखते हैं वहाँ पे कैसा है, फिर उसके बाद से आगे का प्लान बनाते हैं। नहीं होगा तो हम लोग रोपवे से चलेंगे, आपको दिखाएंगे रोपवे का क्या हाल है। फिलहाल चलिए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। और ये यहाँ का मार्केट है, ये आप देख सकते हैं। मार्केट भी मैं यहाँ का आप सभी को दिखाते हुए ले चलूँगा। और हल्की फुल्की भीड़ कहीं ज़्यादा हो जा रही है, कहीं कम है, कहीं बराबर है। माँ मनसा देवी जाने के लिए देखिए प्रसाद भी यहाँ पे ये दे रहे हैं। ये यहाँ पर दुकानें हैं बहुत ही सुंदर सुंदर सी, जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। हरिद्वार का गंगा स्नान करने के बाद से माँ मनसा देवी मंदिर की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हुए, बहुत ही सुंदर और अच्छा सा मार्केट है यह। यहाँ कपड़े खिलौने और बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके शहर में नहीं मिलेंगी। और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं जिसे आप देख पा रहे होंगे। मनसा देवी पैदल मार्ग है, यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। लेकिन हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे देखिए बहुत ही भीड़ है। आगे रोपवे है और रोपवे की तरफ से हम लोग चलेंगे। ये है माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार, देखिए कैसे सजाया गया है। और यहाँ पूछने पे पता चला है यहीं से रोपवे द्वारा आप जा सकते हैं। देखिए इन्होंने भी पूछा रोपवे के बारे में, और इसी द्वार से चलते हैं और देखते हैं कि रोपवे का कै रुपये किराया है और कैसे क्या है। आप जब ये रास्ते पर आएंगे, देखिए आर्मी के जवान दौड़ के जाते हुए, लग रहा है कोई बात होगी। और इधर बहुत ही भीड़ लगी हुई है भैया जी, लग रहा है रोपवे के लिए। और हम भी लोग चल रहे हैं, लाइन लगाएंगे। तो जब आप ऐसी जगहों पे आएंगे तो ये बहुत सब सामान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मनसा देवी रोपवे जाने का टिकट यहाँ पे मिलता है, 135 रुपए का है। और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और इस रोड से चला जाएगा रोपवे की तरफ और देखते हैं। ये है यहाँ पर टिकट ले रहे हैं, यहीं पे देंगे गेट नंबर 2 के पास। तो साथियों बहुत इंतजार करने के बाद से उड़न खटोला पे हम लोग का नंबर आ रहा जाने का। मनसा देवी जो कि हम लोग दर्शन करने जाएंगे, रोपवे भी जिसे बोला जाता है, ये देखिए जा रहा है। इसी रोपवे से हम लोग भी जाएंगे और अब लाइन में लग गए हैं। हमारा वीडियो बना लिया भाई। तो साथियों इधर ये देखिए बंदर है और हम लोग अब रोपवे में बैठ गए हैं। और हमारे सामने ये दो लोग बैठे हुए हैं, एक बच्ची भी है एक सामने। और ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हुए ये डोली से, ये देखिए ये डोली उधर से आ रही है, हम लोग इधर से जा रहे हैं। तो साथियों अभी समय हम लोग ऊपर की तरफ डोली से बढ़ते हुए, और पैदल यात्री जो है ये देखिए ये नीचे से यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आप आ सकते हैं। हालांकि पैदल ही चलना चाहिए लेकिन किन्हीं कारणों बस मैं जो है डोली से जा रहा हूँ। और मेरे साथ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए कितने ऊपर आ गए हम। और ये है पूरा यहाँ से व्यू, ठीक सामने से हम लोग मनसा देवी बस पहुँचने ही वाले हैं। मनसा देवी मनसा पूरा करती पहली बार में, और यहाँ से पूरा देखिए कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है हरिद्वार का, बहुत ही सुंदर देखने लायक, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर था, हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, वाह। हालांकि किसी को अगर जो हाइट से डर हो तो वो ना चढ़े रोपवे से। और नीचे लोग भी कुछ इंतजार कर रहे हैं और धीरे धीरे आते हुए।
तो साथियों मैं ये वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन आपको कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग इस बारे में जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं कहता नहीं हूँ कमेंट करने के लिए, लेकिन इस बार जरूर कीजिएगा। माँ मनसा देवी के चरणों में हाजिरी लगाइएगा। और ये हरिद्वार का व्यू बहुत ही सुंदर। तो साथियों अब हम लोग मनसा देवी मंदिर के पास पहुँच गए हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है, ये वहाँ से यहाँ तक बहुत ही भीड़ लगी है और लाइन में हम लोग भी लगे हुए हैं। चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो साथियों आप लोग भीड़ देख ही रहे हैं कि मनसा देवी मैया के दरबार में कैसे भीड़ लगी है। और इसी भीड़ से होते हुए मैं अंदर गया, दर्शन किया, दर्शन करके आया हूँ। बहुत ही भीड़ है इस समय और हर जगह तो आपको दिखा नहीं सकता। आपको अगर जो समय मिले तो मनसा देवी के दर्शन करने जरूर आइए।